फ्रेंड्स, आपका स्वागत है FLS किचन में। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी गोभी आलू मटर की सब्जी के साथ। सबसे पहले सरसों के तेल में आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। आलू को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम लोग उसमें बीन और कैरेट ऐड कर देंगे। सब्जियां जब गोल्डन ब्राउन हो जाए हम सब्जियों को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम लोग गोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम गोभियों को उस सब्जी के बाउल में निकाल लेते हैं। तेल को गर्म होने के बाद उसमें तेजपत्ता और प्याज को देके हमें गोल्डन ब्राउन होने तक उन्हें भूनना है। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए हम उसमें जीरा, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और रंग के लिए हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है।
हमें मसालों को तब तक फ्राई करना है जब तक मसालों से तेल अलग ना हो जाए। अब हम भुने हुए मसालों में फ्राई की गई गोभी, ग्रीन मटर और बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। अब सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके अच्छे से सब्जियों को मिक्स करेंगे। अब हम धीमी आंच पर ढक के सब्जियों को लगभग 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब ढक्कन को हटा के सब्जियों को चला लें। जब सब्जियां अच्छे से भून जाए हम उसमें पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के धीमी आंच पर सब्जियों को पकने के लिए रख देंगे। सब्जियां पकने के बाद हम उसमें इलायची, लौंग, दालचीनी का पेस्ट ऐड करेंगे। जब सब्जी इस स्टेज पर पहुंच जाए तब हम गैस को बंद करके सब्जी को बाउल में निकाल लेंगे। ये तैयार हो गई हमारी गोभी आलू मटर की टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को आप रोटी या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट प्लीज।